सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम मैथ्स को लेकर डिस्कस करने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें हेल्प करेगा मैथ्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मैथ्स जो है रेगुलरली प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग फ्यू ऑफ द टिप्स दैट विल हेल्प यू टू स्कोर 95+ इन योर मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, जितने भी ICSE 2023 बैच स्टूडेंट्स हैं, अगर तुम्हारा मैथ्स है तो डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वेल, तो देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारा सब्जेक्ट्स अगर तुमने स्टार्टिंग से कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया तो एंड में भी अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर अगर सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर दो तो यहाँ पर तुम बाकी सारा सब्जेक्ट्स का सिलेबस ईजिली कवर कर सकते हो। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मैथ्स, मैथ्स में एकदम एंड में कुछ भी नहीं होगा, बहुत सारा चैप्टर्स है यहाँ पर। कंपैरेटिवली अगर तुम कंपेयर करो बाकी सारे सब्जेक्ट्स से, सो मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें कि तुम्हें स्टार्टिंग से मैथ्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू ऑलरेडी नो कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में कितना सारा एक्सरसाइजेस है और सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन करना, सारा फॉर्मूलाज तुम्हें देखना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स एकदम एंड में नहीं हो पाएगा, तुम्हें रेगुलरली मैथ्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रैक्टिसिंग मैथ्स रेगुलरली। यहाँ पर तुम बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे भी मैनेज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैथ्स इंपॉर्टेंट है कि 1 आवर एटलीस्ट तुम्हें रोज मैथ्स प्रैक्टिस करना है। नाउ हियर 2 आवर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 आवर, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट 1 आवर, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हारे पास और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं। ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं अगर तुम साइंस स्टूडेंट हो, बाकी अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर इफ़ यू हैव टेकन आर्ट्स, सो यू हैव अराउंड 7 to 8 सब्जेक्ट्स। बट यहाँ पर अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज 10 सब्जेक्ट्स है और यहाँ पर तुम्हें सारा सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना है। सो इसलिए मैथ्स के लिए तुम्हें 1 आवर रख सकते हो और बाकी सारा सब्जेक्ट्स भी तुम्हें करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर तुम्हें मैथ्स रेगुलरली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पर जो नंबर 2 पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिसिंग द ईजी चैप्टर्स फर्स्ट। यहाँ पर तुम्हें मैथ्स को डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले तुम्हें एक लिस्ट बनाना है कौन कौन सा चैप्टर्स ईजी है, कौन कौन सा चैप्टर्स डिफिकल्ट है। और यहाँ पर जो ईजी चैप्टर्स है, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट। यहाँ पर ईजी चैप्टर्स है, वही बहुत स्कोरिंग है। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ईजी चैप्टर्स, जितना भी चैप्टर्स है जो कि ईजी चैप्टर्स है, तुम्हें वो सारा चीज को पहले कंप्लीट करना है। और तुम्हें बाकी सारा चैप्टर्स, लाइक अगर तुम्हें सर्कल्स डिफिकल्ट लग रहा है या फिर मेंसुरेशन चैप्टर, तो ये सारा डेफिनेटली बहुत सारा सम्स होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। और यहाँ पर इट इज़ डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स लाइक मैट्रिसेस, बैंकिंग, ये सारा चैप्टर्स ईजी है। GST, मैट्रिसेस, बैंकिंग, फैक्टराइजेशन, देन यू हैव द लास्ट चैप्टर दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। सो ये सारा चैप्टर्स एज कम्पेयर टू योर मेंसुरेशन, सर्कल्स, ये सारा चैप्टर से ईजी है, राइट? तो तुम्हें ईजी चैप्टर्स को पहले कवर करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, तुम्हें ऑब्वियसली कुछ नहीं छोड़ना है, बोर्ड्स में सब कुछ सारा चैप्टर्स आएगा तो सारा चैप्टर्स ही करना है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, ईजी चैप्टर्स को स्टार्टिंग में कर लेना है ताकि तुम्हें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो मार्क्स है वो स्कोर करने में तुम्हें ईजी चैप्टर्स ही हेल्प करेगा। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर तुम्हें बेसिक सा पैटर्न पता होना चाहिए कि तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर किस तरह से आता है। हियर द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी रहता है, यानी कि तुम्हें सारा क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट रहता है। सेक्शन ए से यू कांट लीव एनी क्वेश्चन। सेक्शन ए में इस बार का पैटर्न कैसा है, इस बार का तुम्हारा MCQs दिया हुआ है, तो यहाँ पर तुम्हें 15 MCQs मिलेगा सेक्शन ए में। बिसाइड्स दैट वहाँ पर और भी क्वेश्चंस रहेगा। और इफ़ यू टॉक अबाउट सेक्शन बी, सेक्शन बी में तुम्हें अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस रहेगा। यहाँ पर चॉइस मिलेगा और यहाँ पर तुम्हें सेक्शन बी से एनी 4 क्वेश्चंस करना है, सेट्स रहेगा, डिफरेंट सेट रहेगा, उसमें से एनी 4 क्वेश्चंस करना है। सो दिस इज द पैटर्न। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें स्पेसिमेन पेपर, जो ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है, वो सॉल्व कर लेना है, बिकॉज यहाँ पर ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर, यू ऑलरेडी नो इट्स इंपॉर्टेंट। अगर तुम स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करते हो तो तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है और किस टाइप का क्वेश्चन। ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे तुम कोई भी सब्जेक्ट का स्पेसिमेन पेपर कर रहे हो, ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट द क्वेश्चन दैट यू विल बी गेटिंग दिस टाइम दैट विल बी सिमिलर टू द स्पेसिमेन पेपर, तो इंपॉर्टेंट है। सो तुम्हारा सेक्शन बी में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, 3-3-4, यानी कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन रहता है, तो फर्स्ट 3-3 मार्क्स का रहता है, उसके बाद 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। सो दिस इज हाउ द मार्क्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तुम जब भी मैथ्स का कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, पहले तुम्हें फॉर्मूलाज देखना है और ट्राई करो कि जबकि तुम सम सॉल्व कर रहे हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हो, तो फॉर्मूलाज तुम्हें देख देख कर अप्लाई नहीं करना है। यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज एंड देन डू इट डायरेक्टली।
अगर तुम ऐसे करते हो तो यहाँ पर तुम्हें फॉर्मूलाज के लिए अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, एज यू सॉल्व द सम्स तुम्हें फॉर्मूलाज भी याद हो जाएगा अच्छे से और तुम उसे अप्लाई भी कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूलाज जो है स्टार्टिंग से ही याद करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज एंड में क्या होगा, तुम्हें सब कुछ सॉल्व करना आता है लेकिन फॉर्मूलाज एग्जाम्स में तुम्हें नहीं मिलेगा, फॉर्मूलाज तुम्हें खुद से मेमोराइज करके जाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। जो भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज तुम कर रहे हो सबसे पहले सारा फॉर्मूलाज देख लो, कैसे अप्लाई करना है वो तुम क्वेश्चंस देखोगे तो फिर तुम्हें पता लग जाएगा। और यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी तो तुमने सारा चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किया, लेकिन प्री बोर्ड्स में तो सब कुछ आएगा, तुम्हारा पूरा सिलेबस आएगा, जो भी चैप्टर्स तुम्हारा इस बार का सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, बिफोर योर प्री बोर्ड्स तुम्हें एक फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करना है जिसमें कि तुम हर एक चैप्टर का सारा फॉर्मूलाज उसमें अच्छे से लिख कर रखो। बोर्ड से पहले जितना भी तुम्हारा टेस्ट होगा, जो भी एग्जाम्स होगा, प्री बोर्ड्स होगा, फर्स्ट प्री बोर्ड या फिर सेकंड प्री बोर्ड होगा, तो वहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, तुम क्विक रिविजन कर सकते हो अगर तुमने एक ही जगह सारा फॉर्मूला सारे चैप्टर्स का लिख रखा है। सो लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो पर्टिकुलर फॉर्मूला बुक, तुम वहाँ से सारा चीज़ को रिवाइज कर सकते हो, सारा फॉर्मूलाज एक साथ रिविजन कर सकते हो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। ये तुम्हें कब करना है, ये तुम्हें प्री बोर्ड से पहले करना है, अभी तो तुमने सारा चैप्टर्स ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं किया होगा, तो स्टार्ट कर दो सीरियसली। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स के लिए स्पेशली। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ईजी रहता है, तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन एंड में क्या होता है, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर पेपर। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें टाइम मैनेज करके चलना है, स्टार्टिंग से ही तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है और इजी इजी क्वेश्चंस जो कि तुम्हारा सेक्शन ए है उसको तुम्हें पहले सॉल्व कर लेना है। सेक्शन ए में तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बिकॉज वहाँ पर एमसीक्यूज रहेगा, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि तुम्हें क्वेश्चन वन में मिलेगा 15 क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन टू रहेगा सेक्शन ए से, वो सारा चीज़ को तुम्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है और टाइम मैनेज करना है ताकि तुम्हें टाइम का शॉर्टेज ना हो। यहाँ पर यू विल नॉट बी गेटिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम, तुम्हें यहाँ पर कितना आवर्स मिलता है, 2.5 आवर्स मिलता है, 2.5 आवर्स यू गेट फॉर योर मैथमेटिक्स। बाकी सब्जेक्ट्स में 2 आवर्स मिलता है बट यहाँ पर मैथ्स के लिए एंड योर सेकेंड लैंग्वेज इसके लिए तुम्हें 2.5 आवर्स मिलता है। तो मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, टाइम मैनेज करके चलना है, ये 2.5 आवर्स भी कम पड़ जाता है डेफिनेटली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जब भी मैथ्स, अभी से जब भी तुम मैथ्स प्रैक्टिस करोगे तुम्हें टाइम देख कर करना है। सपोज 1 आवर मैथ्स कर रहे हो तो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कि तुम्हें इतना सम्स एक टारगेट रखना है और उतना सम्स तुम्हें कंप्लीट करना है 1 आवर के अंदर। सो इस तरह से अगर तुम टाइम मैनेज करके चलते हो, अभी से प्रैक्टिसिंग के टाइम अगर तुम स्पीड मेंटेन करके चलते हो, सो तुम्हें एग्जाम्स में डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सारा चीज़ के अलावा तुम्हें रोज़ मैथ्स प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस स्पेसिमेन पेपर को जरूर सॉल्व करना है। अभी फिलहाल तुम क्या कर सकते हो, तुमने अभी तक जो भी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है वो सारा चैप्टर्स का क्वेश्चन तुम स्पेसिमेन पेपर से देख सकते हो और तुम वो सारा चीज़ सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अभी ऑब्वियसली तुमने पूरा बुक सॉल्व नहीं किया है, पूरा बुक का सारा चैप्टर्स तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो तुम क्या कर सकते हो, जो जो चैप्टर्स तुमने अभी तक कंप्लीट किया तुम वहाँ से स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन वहाँ से ढूंढ कर तुम सॉल्व कर सकते हो। बिसाइड्स दिस देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर योर मैथ्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के लिए तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा अगर तुम अभी से प्रैक्टिस नहीं करते हो, अभी से सीरियसली सारा चैप्टर्स पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो, तो एंड में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है मैथ्स में। यू हैव टू मैनेज टाइम प्लस इसके साथ साथ रेगुलरली मैथ्स प्रैक्टिस करना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और अभी इजी चैप्टर्स पे फोकस करो, पहले इजी चैप्टर्स को सॉल्व कर लो, सारा कंप्लीट कर लो इजी चैप्टर्स, उसके बाद तुम स्टार्ट कर सकते हो डिफिकल्ट चैप्टर्स से, बिकॉज यहाँ पर ऑब्वियसली मार्क्स मैटर करता है, तुमने कौन सा सम सॉल्व किया और तुम्हें मार्क्स मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी इजी चैप्टर्स कर रहे हो तुम्हें इस तरह से करना है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से सपोज मैट्रिसेस है या फिर सपोज एपी चैप्टर है तो यहाँ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस तरह से उस पर्टिकुलर चैप्टर को तुम्हें प्रैक्टिस करना है कि वहाँ से कोई भी पर्टिकुलर सम आ जाए तुम इजिली सॉल्व कर पाओ। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स दिस अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।